Hello everyone, welcome back to the new video. I hope you all are happy and healthy wherever you are. So guys, आप जब भी कभी ट्रिप पर जाते हो, चाहे सोलो ट्रिप पर जाते हो या अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाते हो, there are some essentials that you must have with you. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे ही कुछ essential जो हर बार ट्रिप पर जाने से पहले मैं अपने बैग में जरूर डालती हूँ. So without any further ado, let's get started. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं अपने ट्रैवल बैग में डालती हूँ असेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आ जाती हैं आइडेंटिफिकेशन आईडीज, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल पर जा रहे हो तो आपको अपना पासपोर्ट जरूर रखना चाहिए. यू नो, कई बार क्या होता है, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और पासपोर्ट होता ही नहीं है, तो उस केस में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है. सो मेक श्योर आप जब भी कभी इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हो, आप अपना पासपोर्ट अपने बैग में सबसे पहले डालें. और अगर आप अपनी कंट्री में कहीं आसपास जा रहे हो तो आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आई मीन आइडेंटिफिकेशन आईडी अपने बैग में जरूर रखनी चाहिए. नेक्स्ट आर फुटवेयर. तो जब भी कभी मैं ट्रिप पर जाती हूँ, मैं अपने साथ हमेशा फ्लैट और कंफर्टेबल फुटवेयर लेकर जाती हूँ, क्योंकि चाहे आप माउंटेन्स पर जा रहे हो या आप बीचेस पर जा रहे हो, आपको चलना पड़ता है. आई मीन आपको पता नहीं होता कि आपको कितना ज्यादा चलना होता है, तो इसलिए फ्लैट और कंफर्टेबल फुटवेयर ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और फुटवेयर मैं हमेशा एक या दो पेयर ही लेकर जाती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे फुटवेयर अपने साथ लेकर जाऊँ जो मेरे हर आउटफिट के साथ अच्छे लगे. जैसे अगर मैं जीन्स पहन रही हूँ या ड्रेस पहन रही हूँ, तो हर आउटफिट के साथ वो अच्छे लगने चाहिए. तो आप भी जब कभी ट्रिप पर जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पास फ्लैट और कंफर्टेबल फुटवेयर का एक पेयर जरूर हो, ताकि वहां आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपना ट्रिप अच्छे से इंजॉय कर पाए. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड किट. तो जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ, मैं अपने साथ फर्स्ट एड किट भी जरूर लेकर जाती हूँ, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन डाल देती हूँ, जैसे क्रोसिन है या बिटाजिन है अगर चोट लग जाती है, या बैंडेज है. और मेरी डॉक्टर क्यारा की जितनी भी मेडिसिन होती है ना, वो मैं सब अपने साथ जरूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि नई जगह पर मेडिकल स्टोर का कई बार पता नहीं चलता है, आसपास नहीं होते हैं. तो अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप आसानी से अपने बैग से मेडिसिन ले सकते हो. तो आप भी अगर कभी ट्रिप पर जा रहे हो तो मेक श्योर कुछ एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन अपने साथ जरूर लेकर जाएं. नेक्स्ट इज चार्जर. तो जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ, मैं अपना बैग दो या तीन बार चेक करती हूँ कि मैंने अपने चार्जर बैग में रखे हैं या नहीं. फोन का चार्जर है, लैपटॉप या कैमरा, कोई भी चार्जर है, ये आपके बैग में जरूर होने चाहिए, ताकि चार्जिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो ट्रिप पर जाने से पहले आप भी चार्जर अपने बैग में जरूर डालें, ताकि जहां भी आप जा रहे हैं वहां आप चार्जर ढूंढते ना फिरें, या फिर आपको नया खरीदना पड़ेगा. सो चार्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको अपने ट्रैवल बैग में जरूर डालना चाहिए. नेक्स्ट आर स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट. तो जब भी मैं ट्रैवल पर जाती हूँ, मैं अपना शैम्पू, फेस वॉश और बॉडी वॉश अपने साथ जरूर लेकर जाती हूँ. जब भी हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं वो वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो अपनी स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट यू नो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मैं अपने साथ जरूर लेकर जाती हूँ. तो इसी तरह से एटलीस्ट आप भी अपना शैम्पू और फेस वॉश अपने साथ जरूर लेकर जाएं, ताकि आपको स्किन से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट इज ट्रैवल वॉलेट. तो जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ, मैं अपने साथ ट्रैवल वॉलेट भी जरूर लेकर जाती हूँ. इसमें आप अपनी आइडेंटिफिकेशन आईडीज डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, ताकि जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े या किसी को आईडी दिखानी है तो आप क्विकली दिखा सकें. तो इसी तरह से आप भी जब ट्रिप पर जा रहे हैं, अपने साथ एक ट्रैवल वॉलेट जरूर लेकर जाएं. नेक्स्ट इज वाटर बॉटल. तो जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ, मैं अपने साथ एक रीयूजेबल वाटर बॉटल जरूर लेकर जाती हूँ. आप चाहे तो रीयूजेबल वाटर बॉटल लेकर जाएं, या कोलेप्सिबल वाटर बॉटल भी बहुत अच्छी होती हैं. जब आपके पास पानी नहीं होता है तो आप इन्हें कोलेप्स करके अपने बैग में डाल सकती हैं, ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरती. तो आप चाहे तो रीयूजेबल वाटर बॉटल डालें या फिर कोलेप्सिबल वाटर बॉटल डालें, बट एक वाटर बॉटल आपके पास जरूर होनी चाहिए. अगर आपके पास नहीं होगी ना, तो आपको बार बार पानी खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं. और अगर आप माउंटेन्स पर जा रहे हो तो आपके पास एक स्वेटर या कोट इस तरह का कुछ होना चाहिए जो आपको वार्म रख सके, क्योंकि माउंटेन्स पर जब भी बारिश होती है ना, तो मौसम एकदम ठंडा हो जाता है. तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए. सो मेक श्योर अगर आप माउंटेन्स पर जा रहे हो, आपके पास एक कोट या यू नो स्वेटर जरूर होनी चाहिए. लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ. जब भी मैं ट्रिप पर जाती हूँ तो उससे पहले मैं एक प्रॉपर लिस्ट बनाती हूँ. उसमें मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है या फर्स्ट एड किट है, वो सब मैं उसमें लिखती हूँ. और जाने से जस्ट पहले मैं सभी चीजें यू नो चेक करती हूँ, टिक करती हूँ कि मैंने ये चीज डाली है या नहीं. ऐसा करने से क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटती नहीं है. तो आप भी ट्रिप पर जाने से पहले इसी तरह की एक लिस्ट बना लें, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लें, जो जो भी चीजें आपको लेकर जानी है, और जाने से जस्ट पहले उन्हें चेक कर लें.
और इस तरह से आपकी एक भी चीज छूटेगी नहीं और आप अपना ट्रिप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो कि ट्रेवल पर जाने से पहले, कहीं ट्रिप पर जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें अपने बैग में रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।